नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवीश है और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्मा जी। इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि अगर आपके पीसी का जो होम स्क्रीन है वो आपका उल्टा हो चुका है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी मेरा जो मेनू बार था और नीचे वो टास्क में बार था, वो सारा ऊपर हो चुका है और ये बिल्कुल ही उल्टा काम कर रहा है। तो अगर आपके भी पीसी में कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि आप इस तो कैसे ठीक करेंगे और ये क्या हो गया मेरे पीसी में, तो ये बहुत ही कॉमन है। आप इसे अपने घर पर ही इसे आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको आ जाना है यहाँ पे बीच स्क्रीन में, कहीं भी आपको माउस के राइट बटन को क्लिक करना है। राइट बटन को क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ स्क्रीन रेजोल्यूशन में। देखो कि यहाँ पे आप स्क्रीन रेजोल्यूशन में आ जाएं। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, आपको माउस कर्सर इधर उधर करने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप धीरे धीरे करके आप उसको माउस को इधर उधर करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रेजोल्यूशन, उल्टा में आप करके देखिएगा तो यहाँ पे रेजोल्यूशन आपका यहाँ पे दिखेगा। तो रेजोल्यूशन पे आने के बाद यहाँ पे उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है थर्ड वाले ऑप्शन पे। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर लैंडस्केप जो दिख रहा है उस पर आपको फर्स्ट पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करने के बाद यहाँ से कीप चेंज कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों देख कीप चेंज करने के बाद ओके पे प्रेस कीजिए और आप देख सकते हैं कि मेरा स्क्रीन जो डिस्प्ले है, जो होम पेज है, वो बिल्कुल सीधा हो चुका है और मैं अब आसानी से इसे यूज कर पाऊँगा। तो इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आपके पीसी में आ रहा है या आपके भी पीसी में कभी इसका इस तरीके का प्रॉब्लम फेस होता है, तो आप बड़े ही आसानी से आप घर पर इसे ठीक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।